वेलकम टू लॉजिक स्किल फाउंडेशन। आज का भी टॉपिक हमारा वही है, लॉजिक गैस वेल्डिंग और गैस कटिंग के बारे में, जिसका वीडियो का एक पार्ट आप लोगों ने देख रखा है। आज का हमारा टॉपिक है कि जो हमने पांच लिस्ट पढ़े थे सिक्योरिटी प्रिक्यूजन के, है ना, जिन चीज़ों पे हमें सावधानी बरतनी चाहिए, तो उसमें से पहला है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में क्या चीज़ें आती हैं, क्या एक्सेसरीज आती हैं, इसमें देखिए वो चीज़ें आती हैं जो हमें हमारे शरीर को सुरक्षित रख सकें, किस चीज़ से, जो दुर्घटना होने वाली चीज़ें हैं उन चीज़ों से सुरक्षित रख सके, वो हमारी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के अंतर्गत चीज़ें आती हैं। जैसे एप्रन हो गया, हमारा सेफ्टी सूट हो गया, हमारा गॉगल्स हो गया, है ना, वेल्डिंग हेलमेट हो गया, ठीक, लेदर ग्लव्स हो गए, सेफ्टी शूज़ हो गए, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में आती हैं। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग आते हैं स्टोरेज एंड हैंडलिंग में। देखिए, जब भी हम लोग गैस वेल्डिंग कर रहे होते हैं या फिर गैस वेल्डिंग का जो प्रोसेस कहीं पे हो रहा है, तो वहाँ पे स्टोरेज और हैंडलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि जो भी गैसें हैं, अगर गैस एक बार लीक होना शुरू हो गया तो फिर उसको कंट्रोल करना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, वो मुश्किल हो जाता है उसको नियंत्रण करना। ठीक है, वहाँ पर अगर आग लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाते हैं, वहाँ पर ब्लास्ट भी हो सकता है। तो सबसे पहला है कि स्टोरेज, हम जब भी हम कहीं पर किसी सिलेंडर को स्टोर करें तो हम ये चीज़ कंफर्म कर लें कि जब हम सिलेंडर को स्टोर कर रहे हैं तो वो गिरने की हालत में ना है, वो गिर तो नहीं सकता है जिससे रेगुलेटर टूट सकता है या फिर गिरने के बाद उसमें एक्सप्लोजन के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद किसी सिलेंडर का जो कलर है, ठीक है, नेवर अल्टर द कलर ऑफ मेकिंग, है ना, ऑफ मार्किंग ऑफ अ गैस सिलेंडर। किसी सिलेंडर पे मार्क या फिर कलर नहीं करना चाहिए। देखिए, सिलेंडर का जो कलर होता है उसी के द्वारा हम उसको पहचानते हैं कि वो सिलेंडर किस चीज़ का है, उसमें उसके अंदर क्या गैस भरी हुई है। ठीक है, तो सिलेंडर पे जो पट्टियाँ बनी हुई होती हैं उस पट्टियों के द्वारा हम लोग पहचानते हैं, तो उन पट्टियों को कभी पेंट करना नहीं चाहिए, उनको दूसरे कलर का नहीं कर देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें स्टोरेज और हैंडलिंग में ध्यान देनी चाहिए हमें कि हमारा जो स्टोरेज करने का जो तरीका है वो एकदम अच्छा रहे, ताकि हम दुर्घटना से बच सकें। फिर उसके बाद हम आते हैं इन्वायरमेंटल सेफ्टी। देखिए, इन्वायरमेंटल सेफ्टी क्या होता है, जब हम गैसों का यूज़ करते हैं तो दो गैसें जब हम आपस में मिलाते हैं तो एक नई गैस का, एक नए एलिमेंट का उत्सर्जन होता है, एक नया गैस निकलता है जो हमारे वातावरण को दूषित कर सकता है। तो हम लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि हम ऐसी गैसों का यूज़ करें जो हमारे आसपास के वातावरण है उसको भी थोड़ा सा साफ करें, ठीक है, या फिर उसको सुरक्षित रख सकें, या फिर हम और भी कई सारे तरीके हैं जो हम अपने आसपास के वातावरण को सुरक्षित कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल सेफ्टी में हमें ये चीज़ें ध्यान देनी चाहिए कि जो फ्यूल है हमारा वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हम ना खर्च करें, है ना, बेवजह का ना करें। जो हमारा हवा है, हवा के लिए हम लोग आसपास पेड़ लगाएं, या फिर हम लोग जो आग है, आग कम से कम जलाएं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम ऐसी चीज़ें यूज करें जो हम रिसाइकल करके दोबारा यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इन्वायरमेंटल सेफ्टी के अंतर्गत आती हैं। गैस वेल्डिंग या फिर किसी भी वर्कशॉप के आसपास ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान देना होता है हमें, ताकि हम अपने साथ साथ अपने वातावरण को भी सुरक्षित रख सकें। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग, है ना, पांच स्टेप हैं टूल सेफ्टी के। देखिए, टूल सेफ्टी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। वर्क एंड इक्विपमेंट, हम जो अपना काम कर रहे हैं वो हमारा इक्विपमेंट से ही सही और ख़राब हो सकता है। ठीक है, अगर हम सही हैं, हमारा इक्विपमेंट ख़राब है, तो हमारा वर्क पीस ऑटोमेटिकली ख़राब हो सकता है, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसमें से पहला है चेक योर टूल रेगुलरली, है ना, और वेयर एंड डैमेज। ठीक है, तो हमें इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो टूल हम रोज़ यूज़ कर रहे हैं उसको हम रेगुलरली चेक करें कि वो डैमेज तो नहीं है, वो सही है कि नहीं है। ठीक है, दूसरा है यूज़ द करेक्ट टूल ऑफ द जॉब। ठीक, तो जिस चीज़ के लिए, जो चीज़ें ज़रूरी है, ठीक, जैसे हमें कोई चीज़ काटना है तो उसके लिए हमें कटिंग टूल ज़रूरी है, तो हम कटिंग के लिए कटिंग टूल का ही उपयोग करें। अब वो कटिंग टूल में भी बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है, तो जो प्रॉपर उस चीज़ के लिए बना हुआ है, जैसे हमें बहुत जल्दी काटना है और ज़्यादा क्वांटिटी में काटना है तो हम लोग पावर सॉ, है ना, या फिर ग्राइंडर का यूज़ करते हैं। ठीक, अगर छोटी मात्रा में काटना है तो हम हैक्सा ब्लेड का प्रयोग करते हैं, फिर अगर उससे भी छोटे मात्रा में काटना है तो हम लोग फाइल या फिर अन्य कटिंग टूल्स का यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, जिस चीज़ के लिए जो यूज़ करना है करेक्ट टूल को हम उसी चीज़ के लिए यूज़ करें। फिर कीप योर टूल क्लीन एंड गुड कंडीशन। देखिए, हमारा जो टूल है उसको हम लोगों को हमेशा साफ़ और अच्छे कंडीशन में रखना चाहिए, ताकि दोबारा यूज हमें जब भी करना हो तो हमें उसको दोबारा से साफ़ ना करना पड़े, या फिर उसकी कंडीशन सुधारने के लिए मेंटेन ना करना पड़े। हम जब भी टूल को यूज़ करें, उसको यूज़ करने के ठीक तुरंत बाद उसको साफ़ करके अच्छे कंडीशन में उसको दोबारा से रख दें। फिर उसके बाद चौथा है यूज़ अप्रोप्रिएट, है ना, सेफ्टी इक्विपमेंट।
जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स है उसको हम लोग अप्रोप्रिएट करेंगे, उसको जल्दी से जल्दी या फिर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद है कीप हैंड क्लियर एंड मूविंग पार्ट। देखिए जो हमारा हाथ है ना, उसको हम लोग क्लियर रखेंगे, हमेशा साफ रखेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि हमारा टूल है कोई मेजरिंग टूल है, या फिर हमारे हाथ में मेटल लगे हुए हैं, मेटल के चिप्स छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। अब उसी से हम अपने ग्लव में बहुत सारी गंदगियाँ लगी होती हैं, हम अगर उससे टूल को पोंछते हैं तो मूविंग पार्ट जो है, या फिर मूविंग पार्ट जैसे टूल का होता है, कहीं कहीं पे जैसे सूक्ष्म मापी यंत्र है तो उसमें क्या है, मूविंग पार्ट्स होते हैं, अगर वो डैमेज हो गया तो हमारा टूल्स ख़राब हो जाएगा या हमारा काम भी ख़राब हो सकता है। तो ये सारे 5 स्टेप हैं टूल को सेफ रखने के लिए, ठीक। उसके बाद हम लोग आते हैं जनरल सेफ्टी टिप्स पे। देखिए जनरली सेफ्टी टिप्स क्या होती हैं कि हमें वर्कशॉप के अंदर सीधा सीधा पीपीई किट पहने। देखिए यहाँ पे कुछ पिक्चर्स आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा जो कि हिंदी में है, ये आपको देख के ही समझ में आ जाएगा किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आग सुरक्षा का जो प्रशिक्षण है, ट्रेनिंग सेफ्टी, फायर सेफ्टी की जो ट्रेनिंग है वो हर जो वर्कमैन होता है उसके पास होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन जैसे अगर नहीं है तो संदेह में हो तो आप आग सुरक्षा नहीं कर सकते हैं। देखिए अगर आप कन्फ्यूजन में है कि आग कौन सी है, हम कौन सा फायर एक्सटिंग्यूशर यूज़ करें, है ना, तो आप आग को नहीं बुझा सकते हैं। फिर उसके बाद है आपने पीपीई किट नहीं पहने तो आप माफ नहीं करता, ठीक है। अगर आप वर्कशॉप के अंदर बिना पीपीई किट पहने चले जाते हैं तो आपका जो सीनियर है वो आपको पहला तो अंदर नहीं जाने देगा, दूसरा कि आप उससे कितना भी बोल लीजिए या फिर कितना भी रिक्वेस्ट कर लीजिए वो अंदर नहीं जाने देगा। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि बिना पीपीई किट के अगर आप अंदर जाओगे तो कोई दुर्घटना हो जाएगी और उसकी सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर आ जाएगी, ठीक है। वर्कशॉप के अंदर कभी भी ये चीज़ें नहीं बोलना चाहिए कि मैंने नहीं देखा था, मैंने नहीं सोचा था कि ये हो जाएगा, मुझे नहीं पता कि ये कैसे हो गया। ये सारे एक्सक्यूज़ जो होते हैं ना, ये चुनौतियों का सामना नहीं कर पाने के लिए, जो डरपोक होते हैं या फिर जो डरते हैं अपने ऊपर जिम्मेदारियां लेने से, ये चीज़ें उनको नहीं करनी चाहिए, ठीक है। वर्कशॉप के अंदर हर चीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी के साथ करनी चाहिए, चाहे आप सीनियर हो चाहे आप जूनियर हो, है ना। इस तरह को जवाबों को रोकना चाहिए, ठीक। उसके बाद जहाँ पे भी वेल्डिंग हो रही है वहाँ पे बिना वेल्डिंग हेलमेट के नहीं जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे तो आप चले जाएंगे लेकिन उसके बाद आपको पछतावा होगा कि काश मैं उस जगह पे नहीं गया होता या फिर वेल्डिंग हेलमेट मैंने पहन रखा होता। तो ये सारी चीज़ें हैं जो जनरल सेफ्टी में आती हैं, ये प्रॉपरली हमेशा अधिकतर इंसान को करनी से ज़्यादा करनी चाहिए, ठीक है। अब हम लोग आगे जानेंगे टाइप ऑफ वेल्ड जॉइंट। देखिए गैस वेल्डिंग, जैसे कि हम लोगों ने वेल्डिंग के द्वारा भी बहुत सारे हम लोगों ने पोजीशन जाने, ठीक है, लेकिन जो वेल्ड जॉइंट दो वस्तुओं को आपस में जोड़ने के जो तरीके हैं वो नियमित है, वो सीमित है, वो 5 तरीके से ही हम लोग जोड़ सकते हैं वर्कपीस के रखने के हिसाब से, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं बट जॉइंट। बट जॉइंट में क्या होता है, इसमें दो वर्कपीस जो होते हैं हमारे एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, ठीक। बट जॉइंट में दोनों एक दूसरे के आमने सामने जब होते हैं तो दोनों के बीच में जब हम वेल्डिंग का जो प्रोसेस है, जो वेल्ड बीड हम लोग तैयार करते हैं और दोनों वस्तुओं को आपस में मेल्ट करके जोड़ते हैं, ठीक है, तो इसे बट वेल्डिंग कहा जाता है। सबसे ज़्यादा इसका यूज फैब्रिकेशन के कार्यों में किया जाता है, ठीक है। तो बट जॉइंट का सबसे कॉमन यूज अधिकतर जगहों पे बट जॉइंट का ही यूज किया जाता है। उसके बाद आते हैं टी जॉइंट पे। देखिए आपको एक ही स्क्रीन पे दो जॉइंट्स दिख रहे होंगे, एक तो टी जॉइंट और एक है कॉर्नर जॉइंट। देखिए टी जॉइंट और कॉर्नर जॉइंट में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, बस एक अंतर है इसमें कि टी जॉइंट और कॉर्नर जॉइंट दोनों का जो शेप है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। वो कैसे, आइए देखते हैं। टी जॉइंट है किसी वर्कपीस के ठीक बीचों बीच एक वर्टिकल पोजीशन में दूसरा पार्ट खड़ा हो जाता है 90 डिग्री पे, बीचों बीच, है ना। जब किसी पार्ट के ठीक बीच में कोई पीस खड़ा होता है तो उसको हम लोग जब टी आकार बनता है, ठीक है, बीचों बीच जब खड़ा होगा तो क्या आकार बनेगा, टी का, तो उसको हम लोग टी जॉइंट बोलते हैं। लेकिन कॉर्नर जॉइंट में ठीक उसी का विपरीत होता है। इसमें क्या है कि बीचों बीच ना खड़ा होके एक किनारे पे, ठीक है, जैसे पार्ट ए है उसके पार्ट ए के किनारे पे अगर कोई पार्ट बी हम लोग 90 डिग्री पे खड़ा करते हैं तो वो हो जाता है कॉर्नर जॉइंट, ठीक है। लेकिन टी जॉइंट में सेम उसी का उल्टा हो जाता है, जब किसी पार्ट के हम लोग बीचों बीच, जैसे कि ये पार्ट ए है इसके ठीक बीचों बीच हम लोग 90 डिग्री पे दूसरे पार्ट को खड़ा करके वेल्डिंग जो प्रक्रिया है उसको हम लोग पूरा कर देते हैं तो वो टी वेल्डिंग कहलाता है, जो कि टी का शेप देता है, ठीक है। और कॉर्नर जॉइंट भी ठीक उसी तरीके से है। और फिर उसके बाद हम लोग आते हैं लैप जॉइंट। देखिए लैप का मतलब होता है चढ़ाव, ठीक है, चढ़ाव जोड़, ठीक। चढ़ाव जोड़ कैसे होता है कि एक पार्ट हमारा है और ठीक उसी के ऊपर दूसरे पार्ट को हम लोग चढ़ा देते हैं,
लैप जॉइंट में भी एक लिमिटेशन होती है। इसकी लिमिटेशन ये है कि जब हम किसी एक पार्ट को दूसरे पार्ट पे चढ़ाते हैं तो उसको हमें सिर्फ इतना ही चढ़ाना चाहिए जितना उस पार्ट की मोटाई है, ठीक है। जैसे एक पार्ट की मोटाई अगर 5 mm है तो हम उसके ऊपर जो दूसरा प्लेट चढ़ाएंगे उसको हम 5 × 10 मतलब उस प्लेट और इस प्लेट की मोटाई के बराबर ही चढ़ाएंगे, ठीक है। तो लैप जॉइंट जो है ये चढ़ाव जोड़ है, इसको भी अधिकतर जो मजबूत जोड़ हमें करना होता है, ठीक है। जब ओवरलैपिंग कहीं पे दबाव वाला जगह होता है वहाँ पे हम लोग लैप जॉइंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं एज जॉइंट पे। एज जॉइंट क्या है? एज जॉइंट दो वस्तुओं के, दो वर्क पीसेस के बिल्कुल एजेस को, बिल्कुल किनारे वाले हिस्से को आपस में जोड़ने को हम लोग एज जॉइंट कहते हैं। जैसे कॉर्नर जॉइंट में क्या था, कॉर्नर जॉइंट में जो एजेस हैं, जो किनारे हैं, उनके आधा वर्क पीस के ऊपर रहता है और आधा वर्क पीस के बाहर। लेकिन इसमें जो दोनों बाहर वाले एजेस हैं, बाहर के किनारे हैं, उन दोनों किनारों को पूरा फिल करके जोड़ दिया जाता है तो उसको हम लोग एज जॉइंट बोलते हैं। जैसे देखिए, एक वर्क पीस का ये किनारा है और दूसरे वर्क पीस का किनारा ये है, तो दोनों वर्क पीसों के जब किनारे को हम लोग कम्प्लीटली जोड़ेंगे तो वो एज जॉइंट कहलाता है, ठीक। फिर अब हम लोग आते हैं गैस कटिंग के बारे में। देखिए, गैस कटिंग वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम किसी भी लोहे को गैस के द्वारा, जो फ्लेम तैयार होता है हमारा, है ना, उस फ्लेम के द्वारा हम किसी वस्तु को या फिर किसी मेटल को दो भागों में विभाजित करते हैं, उसको गैस कटिंग कहते हैं, ठीक है। तो गैस कटिंग का सबसे पहला ऑप्शन क्या आता है, एग्जांपल के तौर पे ऑक्सी फ्यूल कटिंग, जो कि सबसे कॉमन यूज़ किया जाता है अधिकतर जगहों पे, है ना, ठीक है। ऑक्सी फ्यूल कटिंग में क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन और फ्यूल कटिंग के जगह पे हम लोग एसिटिलीन लेते हैं, ठीक है। तो एक इंजीनियर थे, फ्रेंच इंजीनियर थे, जो है इनमॉन फॉन्च नाम है उनका, वो 1903 में ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग का जो पहला प्रकार होता है उसको डेवलप किए थे, ठीक है, उसको उसी की इन्होंने खोज की थी। उसके बाद जब धीरे धीरे जब हम ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में जब हम उसका प्रेशर बढ़ाते हैं, ठीक है, जब जो हमारे गैसेस यूज़ कर रहे हैं हम उसका जब प्रेशर बढ़ाते हैं तो उसके द्वारा लोहे जोड़ने के बजाय लोहा कटना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो लोहा जब कटना शुरू हो जाता है तो हम लोग ऑक्सीजन का हल्का सा फ्लो दे के, है ना, ऑक्सीजन का थोड़ा सा और फ्लो दे के लोहे को और शुद्धता से काट सकते हैं क्लियरली, तो उसी को ऑक्सी फ्यूल कटिंग का नाम दे दिया गया। ऑक्सी फ्यूल कटिंग में ऑक्सीजन और फ्यूल के जगह पे हम लोग एसिटिलीन गैस का यूज़ करते हैं या फिर CO2 गैस का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें CO2 गैस का काम क्या है, CO2 और ऑक्सीजन मिलके पहले तो फ्लेम बनाती हैं, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा कार्बोराइजिंग फ्लेम यूज़ किया जाता है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा होती है। जैसे ही मटेरियल जो है हमारा वो पूरे तरीके से गर्म होता है, लाल होता है, प्लास्टिक अवस्था में जाने लगता है, मेल्टिंग पॉइंट तक, अपने गलनांक बिंदु तक पहुँच जाता है, तब हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर जो ऑक्सीजन रिलीज है ना, ऑक्सीजन रिलीव एक इसमें लीवर लगा होता है ना, उस लीवर को जब दबाते हैं तो ऑक्सीजन, सिर्फ ऑक्सीजन का एक प्रेशर, एक धार निकलती है जो हमारे मिल्टन जो स्थिति में पहुंच चुका है मेटल उसको बहा देती है। तो हम लोग इस तरीके से ऑक्सी फ्यूल कटिंग का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, ठीक। अब इसके कई सारे और भी टाइप हैं, जैसे ऑक्सी लेंस कटिंग। देखिए, ऑक्सी लेंस कटिंग या फिर ऑक्सी फ्यूल कटिंग, ये दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन इसमें अंतर ये है कि इसमें कुछ ही अंतर है। जैसे इसमें ऑक्सी लेंस कटिंग में क्या होता है कि हमें जब वर्कपीस हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, उसके जो साइज़ है, जो उसका डायमीटर है, वो बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है, ठीक है। ऑक्सी फ्यूल कटिंग के जरिए हम लोग क्या है, एक लिमिट तक वर्कपीस को काट सकते हैं, लेकिन ऑक्सी लेंस कटिंग में क्या होता है, इसमें जो वर्कपीस का साइज़ है वो बहुत बड़ा भी है तो हम उसको कटिंग का प्रोसेस उस पर भी हम लोग गैस के द्वारा कर सकते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है कि इस प्रोसेस में जब हम यूज़ कर रहे होते हैं तो हमारा जो हीट होता है, वो हीट का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, जिसके द्वारा हम लोग बड़े से बड़े वर्कपीस को काटने में सहायक होते हैं या फिर काटने में सक्षम होते हैं। इसमें जब हम बड़े वर्कपीस को काटना होता है तो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, स्टील ट्यूब का यूज़ करते हैं जो कि हमारे हीट को बढ़ा देता है, हीट को बढ़ाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। कभी कभी क्या होता है, एल्यूमिनियम रॉड का भी यूज़ करते हैं जो कि खोखला होता है, जिसके आगे की तरफ फ्लेम बनता है, फ्लेम बनने के बाद हीट जो होती है वो इंक्रीज होती है, और साथ ही इसमें जो एल्यूमिनियम या फिर स्टील का जो रॉड लगा होता है, ठीक है, वो भी कंज्यूम होते जाता है हीट जैसे जैसे बढ़ती है, ठीक है। जैसे जैसे हम वर्कपीस को कटिंग प्रक्रिया करते हैं वो वर्कपीस के साथ साथ हल्का हल्का वो भी कंज्यूम होते जाता है, वो भी गलता जाता है। जैसे यहाँ देखिए, आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, इतना बड़ा वर्कपीस है जिसको यहाँ पे
इतने बड़े जो आगे ट्यूब लगी हुई है, स्टील की ट्यूब या फिर एल्यूमिनियम ट्यूब लगी हुई है, एल्यूमिनियम रॉड लगा हुआ है, जिसके द्वारा यहाँ पे देखिए कटिंग मटेरियल ये निकल रहा है स्लैग के रूप में और यहाँ पे स्पैटर्स निकल रहा है। तो इतने बड़े वर्कपीस को काटने के लिए हम लोग ऑक्सीलेंस कटिंग का यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं मेटल पाउडर कटिंग पे, ठीक है। देखिए मेटल पाउडर कटिंग क्या है, इसमें ऑक्सीजन और मेटल पाउडर को यूज़ किया जाता है किस चीज़ के लिए, टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा हाई करने के लिए। जब हमको हाई स्पीड स्टील या हाई कार्बन स्टील जो लोहा होता है, जो मेटल होता है ना, इन चीज़ों को जब काटने की ज़रूरत पड़ती है तो इसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई चाहिए होता है शुरुआत के लिए। तो इसमें क्या होता है, हम मेटल पाउडर का यूज़ करते हैं, जो कि एक इस तरीके का आपको ट्रॉली मिलेगा जिसपे एक कंटेनर रखा होगा, ठीक है, एक वॉल्व लगा होगा जिसपे कंप्रेसर वॉल्व जिसको बोलते हैं, उस वॉल्व में हम लोग मेटल पाउडर डालेंगे और ऑक्सीजन के फ्लो के द्वारा इसको हम लोग कटिंग टॉर्च के ले जाएंगे, पाउडर कटिंग टॉर्च, जहाँ पे एक फ्लेम तैयार होगी जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रेशियो में होता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ये कुछ जो गैस के कटिंग प्रोसेस थे इनके बारे में हम लोगों ने जाना। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।